अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू दिस लिविंग कनाडा। तो आज हम आए हैं यहाँ पे अपने बैकयार्ड गार्डन में बैंगन काटने। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे बैकयार्ड में जो बैंगन के पौधे हैं, बैंगन का जो पौधा होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, फल जो होता है ना तो काटना मुश्किल होता है, उसको ट्विस्ट करना पड़ता है और समटाइम इतना सख्त होती है क्योंकि उसकी टहनी बहुत मोटी होती है, तो उसको और हाथ से जहाँ से पकड़े तो यहाँ बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो इसको कैंची से काटना पड़ता है या इसको यहाँ से आप ट्विस्ट करें 2-3 दफ़ा एक साइड पे, राइट साइड पे, देन 2-3 टाइम लेफ्ट साइड पे। लेकिन जी कई दफ़ा जो है ना पौधा टहनी तोड़ने का खर्चा होता है, तो मैं यूज़ करूँगी सीज़र का। यहाँ से ये टूटना शुरू तो हो गया है। ओके, तो ये रहा हमारा माशाल्लाह से खूबसूरत सा साफ सुथरा अति मुलायम बच्चों की स्किन वाला बैंगन। और एक और ये है, ये भी तोड़ लेते हैं। पहले इसको राइट साइड पे ट्विस्ट करें, फिर इसको दूसरी साइड पे ट्विस्ट करें, ट्विस्ट ट्विस्ट करते जाएं, करते कैंची का इस्तेमाल कर लें क्योंकि हमने अभी पौधे को नहीं तोड़ना, हमने बैंगन तोड़ना है। चलें जी, ये रहा एक और बैंगन जी, एक और यहाँ पे है छुपा हुआ बैंगन। ये देखिए माशाल्लाह से क्या बात है इसकी। अरे ये है छोटा सा बैंगन, इसको भी मैं बड़ा होने देंगे। ये वाला छोटा वाला जो है हम तोड़ते हैं। ओके, ये देखें, तो ये हो गए हमारे माशाल्लाह बड़े वाले बैंगन। यहाँ पे आगे हैं हमारे दूसरे पौधे छोटे बैंगन वाले। और टाइम हो रहा है मगरिब का और मच्छरों ने किया हुआ मेरे पे अटैक। वैसे कहते हैं कि पौधों में मगरिब के टक वक्त नहीं आना चाहिए, तो अभी मैं चलती हूँ अंदर। आई थिंक दैट्स इनाफ फॉर टुडे। वो भी हैं, वो छोटे छोटे से हैं तो उनको बड़ा होने देंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो यही काफ़ी है आज के लिए। देखें, ये लगी हुई है रसबेरी। रसबेरी का भी क्या ही मज़ा है, बहुत मज़े की है, इतनी स्वीट है ना ये। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, सीरियल में डाल के खाएं या वैसे ही खा लें आप, या इसकी स्मूदी बना लें, किसी भी तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हम अभी और रसबेरी भी तोड़ लेते हैं। ओह, ये देखें शहद की मक्खी भी आई हुई है, देखिए आपको नज़र आ रही है, मुझे मेरे पे अटैक ना कर दे, फूलों पे आ रही है। तो ये जी, हमें ये रसबेरी मिली है, अभी और भी लगी हुई है लेकिन अभी वो कच्ची है और छोटी है। हमारे पास स्ट्रॉबेरी भी है लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है वो ज़्यादा नहीं है, बस एक दो नज़र आ रही हैं। तो ये रही स्ट्रॉबेरी। ये देखें सूरजमुखी का फूल कितना बड़ा और इतना हैवी है कि उसका वज़न जो है वो सारा नीचे की तरफ है, और सूरज भी नहीं ना निकला हुआ, बादल चढ़े हुए, शाम का टाइम हो गया है और बहुत वज़न है। कम से कम इसका वज़न मेरे ख्याल में 1 किलो से ज़्यादा होगा, इतना हैवी है। और इसके अंदर इतने बीज हैं, ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बीज हैं सारे के सारे। और हमारे बैकयार्ड में ना गुलैरियों की मौजें लगी हुई हैं, इतनी गुलैरियाँ आती हैं और इसको खोल खोल के बीज इनसे निकाल के ऐसे खाते हैं जैसे कोई, जब हम पाकिस्तान में बिजली जाती थी ना सर्दियों में तो हम हीटर के आगे बैठ के मूंगफली नहीं खाते थे खोल खोल के, ऐसे जो है ना गुलैरी आके यहाँ पे सूरजमुखी के बीज निकाल के उसके छिलके उतार उतार के तो वो खाती हैं बैठ के। तो इंजॉय करें, वो भी नेचर को अल्लाह ताला की नेमते हैं, उनका भी हक है पूरा। तो कुछ तो फूल उन्होंने उगने से पहले ही उतार दिए, उनको ऊपर से तोड़ के ना तो खा लिया। ये देखें, ये हमारा प्याज का पौधा एक रह गया था और इतना बड़ा हो गया और इसके ऊपर बीज लगे हुए।
तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा गार्डनिंग की वीडियो, लोगों को देख के अच्छा लगता है, टेंशन रिलीज़ होती है अपने बैकग्राउंड में पौधे लगाने से और उसे फल हासिल करने से। अगर आपको आपके पास जगह नहीं है तो आप अपने पॉट्स में लगाएं, किसी भी जगह से लगाएं, कोशिश करें अपने आप को अच्छी हॉबी में बिज़ी रखें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नो, वी विल शेयर विद भाई जान। बिस्मिल्लाह पढ़ो। गुड, भाई जान के साथ भी शेयर करनी है। अच्छा, नहीं।